वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 के लिए हैदराबाद हाइड्रास की न्यू टीम बन के तैयार हो चुकी है और टाइम हो चुका है आप लोगों को उनसे मिलाने का। पूरी कोशिश की जाएगी भाई किसी तरह गोल्डन टिकट निकाला जाए, बाकी तो भाई देखो किस्मत के हाथ में है, लेकिन एक चीज आपके हाथ में है नहीं है आज, लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना आपके हाथ में नहीं है क्या समझे आप, यू नो टी बॉय। आइए आपको मिलाता हूं टीम से। पेश है आप लोगों के सामने गाइस हैदराबाद हाइड्रास की नई टीम। सबसे पहले खिलाड़ी बी के मुस्तफा, नंबर दो पे चले तो वन प्रो किंग, नंबर तीन थारा भाई पापा मोगेम्बो, नंबर चार बीबी डिग और नंबर पांच तनवर साहब। और इसी के साथ पहले अटैकर बीबी डिग। डिग मतलब क्या होता है? खुदाई करना है ना, डी आई जी डिग। तो आइए देखते हैं क्या ये डिगिंग कर पाएंगे, क्या इनके फावले में जान है। फिलहाल बुढ़ापा यहां पे अपनी बुढ़ापा वोक लेके चल दिया है, जैप मारा जा रहा है मल्टी टारगेट को, इन्फर्नो टावर को और एक्सबो को। एक जाइंट उतारा गया है, एक वॉल ब्रेकर भी है और टेस्ला फार्म एक्टिवेट हो गया है, दो टेस्ला एक्टिवेट हो गए हैं। क्वीन का डिप्लॉयमेंट कर देना चाहिए, टाइम फेल का खतरा बना रहता है इस अटैक में। ग्राउंड स्केलेटन्स निकल के बुड्ढे को परेशान कर रहे हैं बुरी तरीके से। एक मिनट ऑलरेडी जा चुकी है, मुझे लग रहा है कि लेट कर रहे हैं भैया जी। चलो फनल बन के तैयार, क्वीन डार्लिंग आ गई है और उतार दिया गया है यहां पे सीज बैरक को, किंग को, आइस गोलम को, इलेक्ट्रोटाइटन को, बलून्स को और चीजें अभी तक थोड़ा कंट्रोल में नजर आ रही हैं। और कितनी देर तक कंट्रोल में रहेंगी यही एक तीन स्टार और दो स्टार का डिफरेंस क्रिएट करता है अटैक में। फिलहाल यहां पे इलेक्ट्रो टाइटन्स जिंदा है, गॉर्डन की एबिलिटी है, जंप डाल दी गई है पर कुछ आर्मी लेफ्ट और कुछ आर्मी राइट जा चुकी है। गॉर्डन एबिलिटी का इस्तेमाल यहां पे कर लिया गया है, किंग की एबिलिटी को अभी बचा के रखा है। एक मिनट का टाइम बाकी है, एक फ्रीज बाकी है और रॉयल चैंपियन का अभी आना बाकी है। वही देख रहा हूं कि मैं वो किधर से आएगी, पीछे की तरफ से आ रही है और यहां पे रॉयल चैंपियन से रॉयल चैंपियन की भिड़ंत। आर्मी सारी खत्म हो चुकी है, क्वीन बची है सिर्फ, रॉयल चैंपियन उधर से आ रही है। यहां पे इलेक्ट्रो टाइटन और हेड हंटर टीएच कह रहे हैं इसको, किंग को निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर मेरे को लग नहीं रहा कि निकलेगा किंग। एक किंग का बचना खतरे की घंटी साबित हो सकता है क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं है कि सारे बेस को रॉयल चैंपियन निकाल सके, जो मेरा अनुमान कहता है। समय की कमी यहां पर पड़ने वाली है इस अटैक में। 94% पहला अटैक। अटैकर नंबर दो मिस्टर तनवर साहब, जो कि पिछली CWL में हमारे क्लैन में खेले थे और 21 स्टार मारे थे, एक कुछ अलग ही लेवल का अटैक लेकर आ रहे हैं। इतने सारे बलून्स डाल दें, इतने सारे क्या, सारे बलून डाल दें, बलून बचे ही नहीं है, बिना बलून्स के ये अटैक कर रहा है भाई। मात्र तीन बलून बचे हैं, उनका भी स्वागत कर दिया गया है यहां पे मरने के लिए। और चलो बढ़िया टैंक कर दिया तीन बलून्स ने भी, मैं तो यही कहूंगा। रेज आ गई है, गॉर्डन एबिलिटी ही आ गई है, यहां से बच के निकल जाए अगर इलेक्ट्रो ड्रैगन्स तो काफी अच्छा हो सकता है इस अटैक के लिए।
पर अगर पॉइजन में ध्वस्त हो गए तो फिर तो मैटर खराब रहेगा टैग का। असिस ये सीसी निकालना काफी इंपॉर्टेंट है। सीसी ए आ गया आ गया आ गया आ गया, वरना आइस गोलम या लावा कुछ ना कुछ जरूर बाहर आता और वो अलग लेवल पे डिस्टर्ब करता भाई। एक और बेहतरीन काम यहाँ पे ये हो गया है कि बुड्ढे ने मरते मरते आर्टलरी को टेक डाउन कर दिया है। तो दो क्रूशियल चीजें निकाल के यहाँ पे दे दी गई हैं बुड्ढे के द्वारा। और अभी सफिशेंट फ्रीज मुझे लग रहा है कि बची हुई है इस बेस को ट्रिपल मारने के लिए। रॉयल चैंपियन स्ट्रगल कर रही है यहाँ पे ग्राउंड स्केलेटन्स के साथ। एक फ्रीज ओवर है अभी भी, अल्टी टारगेट निकालना बाकी है, विन के पास एबिलिटी बाकी है और बिल्कुल जीरो एचपी पे रॉयल चैंपियन की जान अब खतरे में नजर आ गई है। मर गई पर कोई दिक्कत नहीं है, क्वीन के पास अभी भी एबिलिटी है। तो पहला अटैक 94 एंड दूसरा अटैक तनवर साहब की तरफ से 3 स्टार जड़ दिया गया। टाइम फेल तो नहीं हो रहेगा ना, ये 97, 8, 9 नहीं भाई ट्रिपल हो जाएगा, तो अच्छी खासी परसेंटेज और दूसरा ट्रिपल। 1 प्रो किंग, दो दो अटैक हो चुके हैं दोनों तरफ से, 2 में 5-5 स्टार हो गए हैं, उनका भी एक ट्रिपल एक फेल, एक ट्रिपल एक फेल, यहां से खतरनाक मामला चल रहा है। ब्लिंप मारी गई है, डबल रेज टावर वाला ये बेस है। लगनीरा के मल्टी टारगेट इन्फर्नो इसे मिलेगा क्योंकि ब्लिंप इसकी पहले ही फट गई है। मल्टी टारगेट काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मल्टी टारगेट तो छोड़ो, मोनोलिथ भी मिल जाए वही बहुत है। चलो मोनोलिथ आ गया किसी तरह, और दोनों मल्टी टारगेट इन्फर्नो रेज के साथ खड़े हैं। अब पता नहीं इसने प्लान बनाया था या नहीं बनाया था इसको निकालने का मल्टी को, पर मेरे को तो लग रहा है जरूर बनाया होगा। पर ब्लिंप थोड़ा सा गलत जगह पे जाके फट गई है और इसको देख के मेरी भी समझ रहे हो ना, अभी तो 2 स्टार हाई परसेंटेज कर ले तो मैं कहूंगा कि ये अटैक में बढ़िया रिकवरी कर ली इसने। 3 स्टार की तो मैंने उम्मीदें त्याग दी है कि डबल रेज टावर के सामने, समझ रहे हो आप, मल्टी टारगेट इन्फर्नो के सामने वहां से 3 स्टार मारना कमाल की बात हो जाती है। और ऐसी कमाल की बात कभी कभी होती है। इनकी एबिलिटी गो वेंट गोन, इनकी एबिलिटी गो वेंट गोन, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी अभी बची है, ओडन की एबिलिटी भी अभी बची है। टीएच यहां पे एक्टिवेट हो चुका है, वार्डन एबिलिटी दी जा चुकी है। सिंगल टारगेट इन्फर्नो यहां पे दुख का कारण बना हुआ है। मल्टी टारगेट इन्फर्नो असली खतरा जो मैंने आपको बोला था, और उसके पास रेज टावर, मतलब कि डेडली कॉम्बिनेशन है बलून्स के लिए। बलून का वहां से जिंदा निकल पाना नामुमकिन सा हो जाता है। और वही कंपार्टमेंट आखिर में टिका हुआ है, फ्रीज पे फ्रीज चल रही है, पर भाई ये मल्टी टारगेट इन्फर्नो से जान बचा पाना नामुमकिन हो जाएगा। तो 86 और 87, चलो 2 स्टार हाई परसेंटेज तो चला ही गया। मुस्तफा भाई साहब फाइनली अटैक के लिए निकल गए। 2 अटैक मैं तो कहूंगा दुर्भाग्यपूर्ण ही रहे। एक अटैक हमारा टाइम फेल हो गया और एक अटैक में ब्लिंप पहुंची नहीं टारगेट तक, फिर भी 88% की वैल्यू ठीक ठाक निकाल ली गई। नई टीम अगर डिफेंड तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे मुस्तफा भाई साहब एक अलग तरह की आर्मी लाए हैं सेंट्रल टाउन हॉल के बेस पे। इस पर डबल पॉइजन टावर है, 3 सुपर बॉलर, 1 इलेक्ट्रो टाइटन, वार्डन पनल बनाने में लगा हुआ है।
क्वीन का डिप्लॉयमेंट किया गया आर्टिलरी वाले कंपार्टमेंट में से एंट्री लेने का यहाँ पे डिसीजन ले लिया गया है मुस्तफा भाई साहब के द्वारा। और वहीं पे है टेस्ला फार्म, बलून्स, वॉल ब्रेकर, ग्राउंड स्केलेटन और टोर्नेडो भी। दुनिया भर की चीजें तो घुसते के साथ ही निकल गई, मतलब जहां से एंट्री लेने की सोची वहीं पे आधे से ज्यादा भसड़ तो वहीं पे निकल गई। सिंगल टारगेट इन्फर्नो ने पकड़ लिया किंग को, गोल्डन एबिलिटी को बचा के रखा गया है अभी तक, जो कि एक अच्छी बात भी है क्योंकि टाउन हॉल के पॉइजन से बचाना जरूरी है आर्मी को। अभी दबा दिया गया गोल्डन एबिलिटी को, रॉयल चैंपियन आ चुकी है, वरना जो टाउन हॉल का पॉइजन है और दूसरा पॉइजन है वो वैसे खत्म कर देगा। डबल रेस तो बचे हुए हैं पर आर्मी बची नहीं, आर्मी फिर भी मर गई पॉइजन में, सिर्फ क्वीन बची और सिंगल टारगेट इन्फर्नो परेशान कर रहा है भाई साहब आर्मी को। रॉयल चैंपियन बाहर की तरफ से बचे हुए डिफेंसिस को टेकडाउन करते हुए चल रही है, लेकिन लेकिन क्वीन बची है और क्वीन के पास रेज भी बची है। तो वार्डन एबिलिटी इतनी देर तक होल्ड रखने के बाद भी वो डबल पॉइजन टावर और जो टाउन हॉल का पॉइजन था उसके अंदर आर्मी सर्वाइव कर नहीं पाई, सिर्फ एक बोलर बचा है। पर अटैक के अंदर जान इसमें काफी ज्यादा थी भाई, और मिस्टेक कोई करी नहीं गई। तो मुस्तफा भाई साहब ने इस बेस को मुस्तफा मुस्तफा कर दिया है, जो कि शानदार बात है। 98, 99 and 100 फाइनल अटैक करने का टाइम आ गया है गाइस, और करंट वॉर के हिसाब से 2 स्टार पे हम लोग जीत रहे हैं। बट मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा है, ये वाला बेस है कि 3 स्टार के लिए जाऊं या हाई परसेंटेज के लिए जाऊं या एक्सपेरिमेंटल अटैक करूं। तो मैंने चूज करा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल करते हैं, अगर इसका पॉइजन टावर निकल जाता है तो चलो निकल गया। तो एक तरह का मैं एक्सपेरिमेंटल टाइप का थोड़ा सा अटैक कर रहा हूँ, मतलब 2 स्टार तो मार ही दूंगा बट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। जनरली मैं इस बेस को इधर से करता नहीं हूं, मतलब इस तरह के जो बेसिस होते हैं, क्योंकि दोनों एयर स्वीपर यहीं पे हैं। भाई वाह, टोर्नेडो भी यहीं है, आधी जिंदगी तो इस बेस की इधर ही है इसी कोने में। ये बचा है क्वीन वाला कंपार्टमेंट और सीसी बचा, और पॉइजन में लाया नहीं, क्योंकि पॉइजन ना लाने की आजकल मेरे अंदर बीमारी हो गई है, बिना पॉइजन के अटैक कर देता हूं आजकल मैं। चूल बड़ी चीज है गाइस, अब बिना पॉइजन के ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। 3 आइस गोलम है सीसी में, जो कि अच्छी बात नहीं है मेरी सेहत के लिए। सिंगल टारगेट इन्फर्नो, और भाई 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 बढ़िया हो गया, बढ़िया काम हो गया, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल अटैक था और एक्सपेरिमेंट अभी तक ओके चल रहा है अपना, क्योंकि सिंगल टारगेट इन्फर्नो मिल गया अपने को। चश्मा पहन लू क्या मैं, कहाँ है मेरा चश्मा, इधर ही है, फ्रीज कर देता हूं पहले रॉयल चैंपियन को, कभी चश्मा पहनते पहनते मेरी रॉयल चैंपियन मर गई तो। और आरसी एबिलिटी, रेज और इनविजिबल मैं स्वैग करना चाह रहा हूं, और हो भी जाएगी। ये गई रेज, ये गई इनविजिबल, और ये हो गया ट्रिपल। अभी मैं आपको दिखाता हूं गाइस और का रिजल्ट फाइनली क्या निकला। ओके बॉयज गर्ल्स, सो भाइयों एंड भाइयों, 13 और 9, अभी एक अटैक बचा हुआ अपोनेंट का, अगर ट्रिपल भी मारते हैं तो 12 स्टार हो जाएंगे, जीत अपोनेंट इस वार को नहीं पाएंगे। तो ये थी हमारी गाइस न्यू टीम, उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। बिल्कुल अपना लाइक सपोर्ट और सब्सक्राइब वाला क्या कहते हैं उसको, सपोर्ट बनाए रखें। मैं मिलता हूं आप लोगों से बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी। बाय।